फिर रुके, ये देख सकते हो व्यू, देखो कितना मस्त लग रहा है ये। ये देखो घाट में पूरे बादल आ चुके हैं नीचे और पूरी हरियाली दिख रही है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे भी इतने सारे ओ भाई झुंड बना हुआ है यहाँ पे। तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं ट्रिप पे अपने इंडिगो के सारे स्टाफ पे, 7 लोग जा रहे हैं। तो अभी ये देखो हमारी गाड़ी आ चुकी है यहाँ पे और अभी बज चुके हैं सुबह के 6:30 बजे। थोड़े अर्ली मॉर्निंग में निकल रहे हैं ताकि हमें ट्रैफिक ना लगे। तो अभी हमारे साथ है ये है संकेत भाई, शुभम और अविनाश, इसको तो आपने पहले ब्लॉग में देखा ही होगा। और ये दो है ऋतुजा और कोमल। तो अभी यहाँ से हम थोड़ी देर में निकलने वाले। अभी और एक स्टाफ है हमारा निखिल बोल के, वो अभी ऊपर कुछ लाने गए हैं तो हम उसका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से करीब 5 मिनट में हम निकल जाएंगे। तो आगे का आपको बताते हैं क्या क्या है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, चलो चलो। तो गाइस देख सकते हो अभी बारिश स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे। अभी हम पहुंच चुके हैं कातरज के घाट में। देखो कितना मस्त लग रहा है ये। पूरा हरा हरा हो चुका है बारिश की वजह से। 2-3 दिन से काफी ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं पुणे बेंगलोर हाईवे पे। इसी रोड से हम लोग जाने वाले हैं सातारा पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो सामने इतनी ज्यादा ट्रैफिक तो नहीं है क्योंकि काफी सुबह सुबह निकले थे हम लोग। और अभी बज चुके हैं करीब 7:30 बज चुके हैं। तो गाइस अभी हम लोग रुके हाईवे पे खाना खाने के लिए, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते, बहुत भूख लगा है। और ये देखो ये है हाईवे और अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे। और यही आदमी है वो, देख सकते हो गाइस सुबह से बारिश नहीं रुक रही है। और अभी हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, देख सकते हो सारी टीम हमारी यहीं पे रुकी है, यहीं पे कुछ खाएंगे फिर आगे निकल लेंगे। गाइस देख सकते हैं अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये है मिसल पाव मंगाया है, ये देखो। और बाकी का ऑर्डर और आ रहा है, हम लोग वेट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ, ये देखो डोसा भी आ गया हमारा। कोणाला कशाची खुशी तर कोणाला कशाची। चला चला चला। गाइस अभी ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी हम जा रहे फिर से आगे। अब देख सकते हो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, थोड़ी देर के लिए रुक गई थी लेकिन अभी फिर से स्टार्ट हो गई है। अरे देख सकते हो आजू बाजू में मेरे। रोमियो पे रुके, देख सकते हो व्यू, देखो कितना मस्त लग रहा है ये। ये देखो घाट में पूरे बादल आ चुके हैं नीचे और पूरी हरियाली दिख रही है यहाँ पे। ओ भाई साहब कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे। और ये देखो हाईवे पे सारे ट्रक यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि ये जो आगे ये देख सकते हो ये पूरा घाट लगता है। यहाँ से ऊपर देखो उधर से गाड़ियाँ जा रही है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये देखो सारी गाड़ियाँ जा रही है, ये जो जितने भी ट्रक जा रहे हैं यहाँ से ये ऊपर से ऐसे जाएंगे वहाँ तक। ये देखो ये जो दिख रहा है यहाँ तक जाएंगे यहाँ से। और ये देखो यहाँ पे बादल आए हुए हैं नीचे। और ये हमारी क्रू, फ्यूचर क्रू। हम जा रहे हैं अभी सातारा, अभी हम ऐसे देख सकते हो अभी यहाँ पे हमारा फोटोग्राफी भी चल रहा है क्योंकि व्यू काफी मस्त लग रहा है। और ये देखो हमारी टीम यहाँ पे फोटो निकाल रही है सारे के सारे। और अभी तक हम वो प्लेस पे आए आए भी नहीं है जहाँ पे हमें जाना था,
उससे अभी तक हम एक घंटा दूर है। ये देखते और ये देखो, देख सकते हो कितना फॉग आ चुका है यहाँ पे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो गाइज अभी ये उत्तेश्वर मंदिर में आ चुके हैं। ये देख सकते हो ये मंदिर है, महाकाल का मंदिर है ये। अभी नीचे जाने वाले हैं और ये देखो आसपास का व्यू है ये। अभी टीम नीचे जा रही है, अभी मैं भी जा रहा हूँ नीचे टीम के साथ। अभी जाके यहाँ से दर्शन लेते हैं फिर निकलते हैं आगे। और ये देखो ये बहुत पुराना मंदिर है। हाय तिकड़े आवाज येतोय, देख सकते हो गाइज ये मंदिर है। अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर मंदिर के। देखो यहाँ पे कौन सोया हुआ है, बाप रे डर लग रहा है, अगर उठ गया तो खत्म। ये आ चुके हैं मंदिर में, पहले दर्शन भी तो यहीं से, बाद में ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। हर सुमो हर हर महादेव। और ये देखो ऐसे अंदर का मंदिर है पूरा। अभी चलते हैं वापस बाहर। और ये देखो यहाँ से हमको फेरा मारना पड़ेगा पूरा राउंड, तो पहले राउंड ख़त्म करते और फिर व्लॉग स्टार्ट करते। तो गाइज अभी मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और अभी प्लान ये है कि हमारा जो एक स्टाफ है संकेत बोल के, तो उसका घर यहीं से पास में करीब 20-25 किलोमीटर है। तो अभी खाना खाने हम लंच करने के लिए उसके घर पर जाएंगे और उसके बाद और एक स्पॉट है वहाँ पर विजिट करने जाएंगे। तो अभी ये देखो टीम हमारी यहाँ पे अभी ये कर रही है, ये देख सकते हो नीचे जाके अभी तक ये कर रही है, दर्शन ही कर रही है मंदिर में। मेरा तो हो गया इसके लिए मैं वापस आ गया हूँ, ये देख सकते हो। और ये देखो पीछे ये तो दिखाया हुआ है मैंने अभी तक, और ये हमारी गाड़ी है। और अभी जैसे वहाँ से खाना खाएँगे तो हम आगे निकलेंगे और एक स्पॉट के लिए। तो अभी देखते हैं क्या प्लान है, कैसे बनता है। हम लोग निकल रहे हैं और सामने देखो कितना बड़ा पहाड़ लग रहा है। और ये देखो गाइस यहाँ पे पुलिस मार लिया फाइट। और गाइस ये देखो अभी इस तरफ देखो अच्छी खासी धूप आई हुई है, तो थोड़ा सा बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखो यहाँ से पूरा सिटी का व्यू आ रहा है। और ये देखो अभी हम जा रहे हैं घाट में से, छोटा सा ही घाट है बस, ऐसे उतरना ही है नीचे। और ये देखो रोड थोड़ी सी छोटी है और यहाँ से सातारा सिर्फ 5 किलोमीटर ही है। और ये देखो छोटे छोटे वाटरफॉल बना हुआ है और ये देखो ऊपर से पानी आ रहा है। और ये यहाँ से फिर से सिटी का व्यू नज़र आ रहा है। देखो थोड़ा सा जूम करके देखते हो, और ये देखो नीचे दो तालाब भी दिख रहे हैं, नीचे दो तालाब भी है। और ये देखो यहाँ पे साक्षात बजरंगबली, वहाँ पे मंदिर में भी एक सोया हुआ था, उससे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था अगर उठ गया तो क्या करेगा, इसीलिए उसको कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया, उससे थोड़ा सा दूर ही रहे। और ये देखो गाइस सामने देखो कितना मस्त लग रहा है ये। और ये देखो यहाँ पे भी इतने सारे ओ भाई झुंड बना हुआ है यहाँ पे तो। और ये देखो और भी आ रहे हैं आता भाई। और ये देखो साइड से हम जा रहे हैं नीचे, और अभी धूप भी काफी ज्यादा लगी हुई है। अभी देखते
के कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 20 मिनट। और आप गाय चारा चरने कितने ऊपर आई हुई? अरे बीच में ये मालिक तो कोई लग ही नहीं रहा है इसका भाई। ये देखो धूप की वजह से कितना चमक रहा है ये। ऐसे देख सकते हो ये जो सामने दिख रहा है, वो जूम करके दिख रहा हूँ, वो सह्याद्री माउंटेन रेंज है। देखो पूरे माउंटेन्स है यहाँ पे, देखो। और ये देखो सामने, कितना मस्त लग रहा है। और अभी धूप की वजह से और चमक रहा है। और ये देखो सामने जो दिख रहा है वो एक फोर्ट है जिसका नाम है अजिंक्य तारा, काफी फेमस फोर्ट है, जिसको कोई जीत नहीं सका उसका नाम अजिंक्य तारा, जिसको अभी तक कोई जीत नहीं सका उसका नाम है अजिंक्य तारा। देखो कितना बढ़िया लग रहा है यहीं से। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज की देन है हमारे महाराष्ट्र के लिए। और इतना अच्छा दिख रहा है यहीं से, तो बस अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि ऊपर जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर कभी आएंगे और उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी चलते हैं पहले संकेत के घर पे, खाना खाते हैं, उसके बाद आगे का प्लान डिसाइड करते हैं। और अभी गाइस ऑलमोस्ट सिटी में पहुँच चुके हैं हम लोग।